नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार के जनता राज पर करारा निशाना साधा। विजय सिन्हा ने कहा कि जब स्वार्थ और अहंकार चरम पर पहुंचता है तो जंगल राज भी जनता का राज लगने लगता है, जिस राज्य के विरुद्ध उनका अवतरण हुआ। अब माननीय नीतीश कुमार जंगल राज को जनता राज कह रहे हैं। उनके भतीजे जो अब यूपी मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने ठीक ही कहा, कुर्सी कुमार पलटू राम हर बात पर पलट रहे हैं। दारू माफिया नेताओं का संरक्षण मिल रहा है, खाने का मनोबल गिरा हुआ है। सुनिए क्या कहा। नीतीश जी चले आते हैं सर, रिमोट कंट्रोल लालू के रिमोट से बिहार सरकार कर रही है। देखिए लालू प्रसाद यादव बड़े भाई हमेशा छोटे भाई को कंट्रोल करते रहे हैं रिमोट के माध्यम से, और बड़े भाई छोटे भाई दोनों मिले हुए थे, बिहार को लोगों को बरगलाया, भारतीय जनता पार्टी को भी बरगलाने का काम किया। पूरा रिमोट लालू प्रसाद यादव के हाथ में है, ये जब चाहते हैं नीतीश कुमार आप उनसे अलग होते हैं, जब चाहते हैं वो अपने पास बुलाते हैं, जब चाहते हैं तो इसको देश के भ्रमण में भेज देते हैं, और बहुत जल्दी इनको यहाँ से सत्ता से बाहर करके प्रधानमंत्री का सपना दिखाकर पूरी सरकार अपने हाथ में ले लेंगे। राजधानी पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में फर्जी तरीके से मरीजों को इलाज करते कई नर्स पैरामेडिकल छात्र पकड़े गए। फर्जी नर्स पकड़ाने की खबर आग की तरह फैल गई। नर्स क्वार्टर में अफरा तफरी मच गई। वहीं सिक्योरिटी अधिकारी रिटायर्ड कैप्टन नरेंद्र कुमार ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा सूचना मिली थी कि फर्जी तरीके से कुछ नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ अस्पताल में मरीजों के साथ गलत तरीके से इलाज कर रहे हैं। जब इस बात को गंभीरता से लिया गया तो आज मौके पर 6 नर्स और 5 पैरामेडिकल छात्रों को मरीज का इलाज करते पकड़े गए। फर्जी तरीके से नर्स पकड़ाते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया। वहीं पकड़े गए नर्स और पैरामेडिकल छात्र ने किसी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं दिखाया और न ही संतोषजनक जवाब दिया। देखिए हम लोग अचानक पहले से सूचना नहीं मिलता नहीं है, अचानक हम लोग राउंड पर थे और कुछ स्पेशल टीम हमारी जो वार्ड में राउंड कर रही थी उसमें कुछ महसूस हुआ कि कुछ लड़के और कुछ लड़कियां जिसके पास कोई डिग्री नहीं कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है हमारे हॉस्पिटल से बाहर से आकर के यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही है, कुछ ट्रीटमेंट दे रही हैं, कुछ ब्लड ले रही हैं, कुछ इंजेक्शन दे रही हैं। तो उस दौरान हम छापेमारी किए, कुछ में लड़कियाँ और कुछ लड़के उसमें पाए गए जो कि इलीगल था, उनको यहाँ पर कोई अथॉरिटीकेशन नहीं था, उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, कोई आईडी नहीं था, उनको फिर पकड़ा गया और फिर उनसे उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया। मैंने उनसे पूछा कि भाई तुमको कौन यहाँ लाया गया, किस सोर्स पर तुम आए हो, कुछ ही बता पाए। फिर लास्ट में उनको माफीनामा पत्र लेकर के उनको छोड़ दिया गया। इस तरह का जो पहले भी घटना होता था तो अधीक्षक के द्वारा क्या आपको मैसेज नहीं, इस तरह कोई पहले ये दया अध्यक्ष से बोले थे ऐसा कुछ होता है तो उनको पहले देखिए, अगर दोबारा ऐसी गलती करता है तो उनको फिर कानून कार्रवाई करके उनको जेल में बंद किया जाएगा। अभी फिलहाल उनको फर्स्ट टाइम था और पहली बार वो आए थे, उन्होंने क्षमा याचना करते हुए मांग करते हुए उन्होंने बोला कि छोड़ दीजिए हमको, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास ये लेटर है, उन्होंने अपने साथ डाला हुआ है और सबका लेटर एक एक लिखा हुआ है और हमने उस केस पर उनको रिलीज किया है, छोड़ दिया, वो लोग स्वस्थ घर चले गए। मैं सर कैप्टन नरेंद्र हूँ जो कि आर्मी से रिटायर हुआ हूँ और यहाँ पर पिछले एक साल से सिक्योरिटी ऑफिसर का ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं कैप्टन नरेंद्र हूँ सर, कैप्टन नरेंद्र कुमार जी। बेगूसराय में चोरी में साथ नहीं देने पर एक युवक की पीट पीट कर और फांसी लगाकर हत्या करके पेड़ से लटकाने से नाराज ग्रामीणों और परिजनों ने शव के साथ NH-31 को जाम कर हंगामा किया। हत्या से पहले मारपीट का एक 28 सेकंड का वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें मृतक को घेर कर पिटाई की जा रही है। दरअसल लोहिया नगर थाना क्षेत्र के बाघा गाँव निवासी 20 वर्षीय राजा कुमार का शव कल देर रात बेगूसराय रेलवे स्टेशन के पास बगीचे में पेड़ से लटकी अवस्था में बरामद किया गया। मृतक के परिजनों ने चोरी में साथ नहीं देने की वजह से मोहल्ले के ही युवकों पर पीट पीट कर हत्या कर शव को पेड़ से लटकाने का आरोप लगाया। परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि घटना के बाद से पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही, जबकि ग्रामीणों के द्वारा आरोपी के परिजनों को घर में पकड़ कर रखा गया था। पुलिस को सूचना दी गई लेकिन पुलिस आई और सभी को भगा दिया। इसी से नाराज ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया।
गया जिले के इमामगंज थाना क्षेत्र से मृतक सोनम कुमारी की हुई हत्या का गुरुवार को इमामगंज पुलिस ने उद्भेदन किया। हत्या का मुख्य आरोपी मृतक सोनम कुमारी का आशिक शंकर दास के रूप में पहचान हुई। दरअसल ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। मृतक सोनम कुमारी अपने ननिहाल इमामगंज थाना क्षेत्र के कुंजेश्वर गांव में रहती थी, जो अभियुक्त शंकर दास से डुमरिया प्रखंड के करहणी गांव के रहने वाले युवक से प्यार कर बैठी। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे के रजामंदी से शादी कर ली। ये शादी समाज रीति रिवाज से नहीं बल्कि एक दूसरे के बीच में ही हुई, जिसके बाद दोनों पति पत्नी की तरह मिलना जुलना करने लगे। इसी बीच हत्या के कुछ दिन पहले दोनों को आपस में एक दूसरे पर ये शक हुआ कि हम दोनों के बीच में कोई आ गया है। फिर क्या, अभियुक्त शंकर दास हत्या की योजना बनाने लगा। उसके बाद उसका पहचान सोनम कुमारी के रूप में हुई, जो अपने नानी घर में कुंजेश्वर में रहती थी। और उसके बाद जब उसके घर में सर्च किए तो कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह हमें प्राप्त हुए, जिसके पहचान शंकर दास करहनी के रूप में हुई, करहनी का रहने वाला है। जब इसके बारे में जब हम लोग सब अनुसंधान किए और बाकी लोगों से पूछताछ किए, तो हमारे तथ्य साइंटिफिक अनुसंधान के आधार पर इसको गया से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के पश्चात सारे केस का उद्भेदन हुआ और इसके द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया कि ये लड़की से प्रेम करता था पूर्व से ही, और इसी के क्रम में इन लोग से बातचीत होता रहता था। और माह अप्रैल में ये दोनों खेत में ही जाकर के कुंजेश्वर गांव के अगल बगल में शादी कर लिए थे, और शादी के बाद लड़की यहीं रह गई थी और लड़का चला गया था गया। इसी क्रम में बीच बीच में कुछ दिन के बाद लड़की मांग, चूँकि अब पत्नी की तरह रहने लगी थी, तो वो उसको मांग करने लगती थी, कभी मोबाइल कभी कोई और चीज़। इसी को लेकर के कुछ दिन पहले ये लोगों में काफ़ी झगड़ा हुआ, दोनों में एक दूसरे पर अब विश्वास भी होने लगा था कि मतलब तुम किसी और से बात करते हो, तुम किसी और से बात करते हो। और इसी क्रम में जब वो मोबाइल वोबाइल का जिद करने लगी, तो ये गुस्सा होकर के ये सोचा कि ऐसे तो हम पीछा छुड़ाते हैं। पीछा छुड़ाने के लिए इसने एक चाकू खरीदा, चाकू गया से जीबी रोड से खरीदा करीब घटना के एक हफ्ता पहले। उसके बाद उस चाकू को अपने बैग में रख करके और हत्या की नीयत से ये प्लान करके बस से इमामगंज आया। इमामगंज आने के बाद इसके द्वारा चूहा मारने की दवाई खरीदा गया कि जब इसका हत्या कर देंगे तो चूहा मार करके अपनी ही हत्या। खबर राजधानी पटना से है, जहां गुरुवार की देर रात अपराधियों ने पटना पुलिस के जवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दरअसल पीरा भोर थाने की पुलिस अपराधियों के इकट्ठा होने की खबर पाकर पटना मार्केट पहुंची। वहां से चार युवकों को हिरासत में लेने के बाद पुलिस वापस थाना लौट रही थी, लेकिन डेंटल कॉलेज के पास पकड़े गए अपराधियों के समर्थन में कई लोग एकजुट हो गए और जिप्सी को घेर लिया। भीड़ ने अचानक हमला बोल दिया और पुलिस कर्मियों की जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान भागते हुए पुलिस कर्मियों पर भी हमला बोला गया। सुभाष नामक एक पुलिस कांस्टेबल को गंभीर चोटें आई है, जिसे PMCH अस्पताल में भर्ती कराया गया। अपराधियों के हमले में 3 पुलिसकर्मी चोटिल हुए। इलाके में वज्र वाहन समेत पुलिस टीम की तैनाती कर दी गई है।